रिश्तों का किया खून, संपत्ति विवाद में पिता ने छोटे बेटे के साथ मिलकर कर दी बड़े बेटे की तमंचे से गोली मारकर हत्या। एडिशनल एसपी पूर्वी वसीयू शिल्पा कुमारी के साथ अतरौली पुलिस ने जघन्य अपराध का किया खुलासा। पुलिस को पता न चल सके तो कातिल पिता ने रचा था षड्यंत्र, दूसरे पर लगाया था हत्या का आरोप। पुलिस की जांच में नहीं बच सके हत्यारे। हरदोई जिले की अतरौली कोतवाली के अंतर्गत रहेरिया मऊ में 18 मार्च की रात को पिता पुत्तू पुत्र भूधर व छोटा बेटा दिनेश पुत्र पुत्तू ने बड़े बेटे सुरेश की संपत्ति को लेकर 12 बोर के तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुत्तू इतना शातिर दिमाग का था कि उसने पुलिस को चकमा देकर हत्या का आरोप लगाया। बलराम पुत्र नन्हा निवासी चरणजू खेड़ा व रामृति पत्नी ब्रजपाल निवासी रहेरिया ने बेटे सुरेश गोली मारकर हत्या कर दी। अतरौली पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। अतरौली प्रभारी निरीक्षक डीके सिंह अपनी सूझबूझ व पूछताछ हत्या के तह तक पहुंच गए। पुलिस की कड़ाई से पूछताछ की तो हत्यारा पिता पुत्तू व छोटा बेटा दिनेश ने बताया कि मृतक सुरेश से उसका विवाद संपत्ति का चल रहा था, इसी को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या में प्रयोग किए गए तमंचा, जिंदा कारतूस व खून से जर्सी मोबाइल को भी हथियारों की निशानदेही पर बरामद किया है। अतरौली प्रभारी निरीक्षक के साथ पुलिस की टीम में एसएसआई रमेश सिंह, हेड कांस्टेबल अनूप सिंह, हेड कांस्टेबल राज कपूर, सोनू, रिंकू आज पुलिसकर्मी शामिल रहे। ये मामला थाना अतरौली का है, जहां पे ग्राम रहरिया मऊ में दिनांक 18-19 की रात्रि में सुरेश पासी, जिसकी उम्र लगभग 42 साल थी, इनके अनिर्मित मकान में सोते समय किसी व्यक्ति द्वारा गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें मृतक के पिता पुत्तू द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें दो नामजद बलराम एवं रामरती को नामजद किया गया था। उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर थाने स्तर पर विवेचना की जा रही थी। इसी क्रम में कुछ मुखबिरों द्वारा यह सूचना दी गई कि इसमें संपत्ति के विवाद में ही इन मृतक के पिता पुत्तू एवं भाई दिनेश द्वारा यह हत्या कर दी गई है, तो पुलिस द्वारा उसमें टीम लगाया गया और उन दोनों की गिरफ्तारी माइनर पुलिया के पास से की गई। उनसे हिरासत में लेकर जब उससे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा यह बताया गया रोड किनारे जो मकान बना हुआ है उसी को लेकर विवाद हुआ था। उसी क्रम में इनके पिता पुत्तू और भाई दिनेश द्वारा रात्रि में इनके आके गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। इन दोनों की निशानदेही पर जो घटना में प्रयुक्त हुआ असलाह है वो बरामद हुआ है, जो कि 12 बोर का है। इसके अलावा रक्तनित कपड़े बरामद हुए हैं और इसमें पुलिस द्वारा आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है।